हेलो दोस्तों, जे आर ट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नोवा सेटअप लेकर आया हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये नोवा सेटअप एपिसोड नंबर 2 अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसे और सेटअप लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इस वीडियो में बताऊँगा कि आप भी अपने मोबाइल का ऐसा सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया करें, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जे आर ट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड्रॉयड से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे फाइल मैनेजर में। तो यहाँ से हमें जिस जिस सेटअप के लिए जिस जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वो सारी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, और आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने सारे एप्लीकेशन जो जो हमें ज़रूरत है, उन सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। आइकॉन का पैक मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी उसके बाद ये कस्टम के WLP ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम लोग ये जूपर का, ये फॉक्स फॉर जूपर, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी विडगेट है एक, जो अभी आपको पता चलेगा आगे वीडियो में कि हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद जो हमें करना है, वो करना है कि आपको इस सेटअप में पूरे में एक फ़ाइल नज़र आएगी KWP बैकअप की। तो उसको हम लोग ये नोवा लॉन्चर वाली कॉपी करके अपने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको मैंने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग अपने फाइल मैनेजर से बाहर निकल जाते हैं और नोवा की सेटिंग्स में चलते हैं। नोवा की सेटिंग्स में जाने के बाद हम चलते हैं अपने बैकअप मैनेजर इसमें। उधर से हम लोग अपना वो फाइल जो हमने मेमोरी कार्ड में पेस्ट की थी, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी फाइल को जो हमने सेलेक्ट किया था, अभी हमारा वो बैकअप फाइल लग गई है और हमारा सेटअप कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमें दूसरा काम करना है, हम अपना ये KWLP जो कस्टम वाला था, जो सॉफ्टवेयर था, उसको हमने ओपन कर लिया। इसको आप अलाउ दे देना, और उसके बाद लोड प्रीसेट में जाना है हमें। अपडेट मांगेगा, पर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आप इसको अपडेट करके दोबारा बैक जाके दोबारा आ जाइए। ठीक है, लोड प्रीसेट में जाके उसी जो हमारा फोल्डर था नोवा बैकअप वाला, उसी में हमें जाना है, जहाँ पे हमने सारी फाइल्स डाउनलोड करके रखी हुई थी, जो हमने एक मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर दी। उसके अलावा एक और फाइल होगी वहाँ पर, तो वो फाइल हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो ये चलते हैं नोवा बैकअप फाइल्स में, ये फाइल हमने सिलेक्ट कर ली। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ ही एक्सपोर्ट में चलते हैं। एक्सपोर्ट में चल के हमें फिर अपना सेटअप कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये लोडिंग हो रहा है अभी हमारा सेटअप। हाँ जी, ये हो गया हमारा सेटअप लोडिंग। इसको ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा सेटअप आ गया दोस्तों सामने। फिर उसके बाद जो हमें करना है, बैकग्राउंड नई लेयर नई पोजिशंस ग्लोबल्स पे हमें सेलेक्ट करना है, और ग्लोबल से हम अपना वॉलपेपर चेंज करेंगे। ठीक है, तो वॉलपेपर भी मैंने उधर लिंक दिया हुआ है, सारा कुछ आप डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ से मिसिंग जो आ रहा है, इसको आपने फ़िक्स कर लेना है। ये ऑटोमेटिक फ़िक्स करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने फ़िक्स के ऊपर ओके करना है और बस आपका वो फ़िक्स कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमें अपना वॉलपेपर सेट होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा। और उसके बाद नीचे जहाँ पे आइकॉन्स आ रहे हैं, वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, और जो जो आपको शॉर्टकट में आइकॉन चाहिए, आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैं सेट कर रहा हूँ अपना एडिट व्हाट्सएप और ये वो जो भी आइकॉन्स होते हैं, जो जो हर किसी को अलग अलग चाहिए होते हैं। तो आप भी अपने जो शॉर्टकट्स में आपको आइकॉन चाहिए, तो आप उनको यहाँ से सिंपल क्लिक करके सेट कर सकते हो। तो मैं ये सेट कर रहा हूँ अपने जो जो मेरे को आइकॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो ये भी सेट हो गया मेरा अभी। उसके बाद ये तीसरा कर रहा हूँ मैं, इसके बाद चाहिए अपन को। जी हाँ, ये भी हो गया मेरा। ठीक है, गूगल प्लस का। तो ऐसे ही आप लोग भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। खाली आपको टाइप करना है और ओके करना है। ठीक है, उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है, और ये फ़िक्स बता रहा वाल पेपर, इसके फ़िक्स कर दें आप। और सेट वॉलपेपर जो ऊपर आपको आइकॉन नज़र आएगा, उसके ऊपर ओके कर देना है आपको। और होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे आप रखना चाहें तो दोनों पे रख सकते हो। ठीक है, ये अभी हमारा सेटअप लोडिंग हो गया। जी हाँ, ये भी सेटअप लोडिंग होने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा सेटअप नज़र आएगा। ठीक है, मैं ज़रा ये स्विप अब ओपन वाला ज़रा आइकॉन बंद कर दूँ। हाँ, ये ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने क्लोज़ कर दिया, अभी आप देख सकते हो। जी हाँ, ये बीच में जो वॉल हमारी नज़र आ रही है, यहाँ से हमारा सारा कुछ होगा। इसके बाद विडगेट जो है, मैं एक जूपर का लगा देता हूँ। ये वाला सही है,
मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, आप लोग चेंज कर सकते हो। आपको इसमें काफ़ी जो ये हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी ये फॉक्स सुपर वाली, उसमें आपको काफ़ी सारे विडगेट मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे तो आप वो लगा सकते हो। मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ इसमें जो मेरे को अच्छा लगता है, जो आप अपनी तरफ से रख सकते हो। तो मैं ज़रा ढूंढ लूँ अपना कहाँ गया कहाँ गया। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये सेटअप अच्छा लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। हौसला अफजाई होती रहती है यार, और कुछ नहीं, ताकि मज़ीद आप लोगों के लिए और ऐसे सेटअप लाता रहूँ। तो हमारा कहाँ गया वीडियो, आइए मिल गया, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको स्केलिंग से थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये स्केलिंग से हमने इसको बड़ा कर दिया। अब इसको सेट कर लेते हैं, ये यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। या आ गया, अभी मैं इसको थोड़ा रिसाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रिसाइज़ कर लिया है, अभी सही लग रहा है। नीचे हमारा जो सेंटर में वॉल जो आ रहा है, वहाँ से आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ये भी हमारे आइकॉन ज़रा चेक कर लें कि सही प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही काम कर रहा है हर चीज़, आइकॉन रह गए हैं अभी तक हमारे। आइकॉनों का जो पैक हमने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ से नोवा सेटिंग से जाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा आइकॉन पैक, अभी हमारे आइकॉन भी चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल चेक कर लेते हैं एक बार, हो जाएंगे, हो गए। ठीक है ना दोस्तों, तो और अभी आपको ये चीज़, ये आप बीच में वॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एनिमेशन इस टाइप से भी नज़र आएगा। सेटअप बड़ा ही प्यारा सेटअप है, बड़ा ही ज़बरदस्त यार। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यार ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेटअप में, तब तक बाय।